नमस्कार दोस्तों, अब एशिया कप 2023 का बिंगुल बज चुका है और साथ ही में एशिया कप 2023 का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। तो वहीं वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी भारत और पाकिस्तान मैच को देखने को दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी को इंतजार है। तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों की मजबूत व महाखतरनाक एवं संभावित प्लेइंग 11 बताएंगे एवं साथ में जानेंगे दोनों ही टीमों के एशिया कप के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। देखेंगे कि कौन सी टीम किस पर पड़ती है भारी। साथ ही आपको जानकारी दे दे कि दोनों ही टीमों में चोट से चल रहे भार भयंकर खिलाड़ी अब उनकी टीम में वापसी हो चुकी है और अब उनके टीम में आते ही दोनों ही टीमें पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आपको बता दे कि पाकिस्तान टीम में गन बॉलर शाहीन अफरीदी से लेकर यंग घातक बॉलर की एंट्री हुई है, तो वहीं टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह से लेकर विध्वंसक अनुभवी बॉलरों की टीम में वापसी हुई है। तो ऐसे में यह महामुकाबला रोमांच से भरपूर व एनर्जी से लथपथ रहने वाला है। तो ऐसे में अब हम नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 एवं साथ में देखते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही टीमें एशिया कप में अभी तक 17 बार आमने सामने हुई है, जिसमें से भारत ने 9 मैच जीते जबकि पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भारत का पलड़ा पाकिस्तान से भारी नजर आता है। पाकिस्तान को भारत ने कई बार धूल चटाई है, किंतु इस बार यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस बार पहले से ज्यादा मजबूत है और भारत को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया का किंग भारत को ही कहा जाता है, क्योंकि एशिया कप की ट्रॉफी पर सबसे ज्यादा बार भारत ने कब्जा जमाया है। भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी को 7 बार उठाया, जबकि दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। श्रीलंका ने एशिया कप की ट्रॉफी को 6 बार उठाया है। तो वहीं पाकिस्तान 2 बारी एशिया कप जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत को कड़ी चुनौती देता है। अब चलिए दोस्तों, दोनों ही टीमों की स्ट्रॉन्ग व फाइनल या कहें कि महामजबूत प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा और उनके जोड़ीदार के रूप में शुभमन गिल नजर आएंगे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, जहां एक तरफ उन पर कप्तानी का दारोमदार होगा, तो वहीं शुभमन गिल के साथ अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी भी होगी। एवं शुभमन गिल तो अच्छी फॉर्म में चल ही रहे हैं, तथा आगे नंबर 3 एवं नंबर 4 पर विराट कोहली और चोट से वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। आपको बता दें कि हमेशा की तरह विराट कोहली पर भारतीय बैटिंग लाइनअप का दारोमदार होगा। विराट कोहली पर पारी को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होगी, ताकि उनके इर्द गिर्द सारे प्लेयर खेल सके, जबकि श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर मौका दिया जाएगा। तो वहीं नंबर 5 पर केएल राहुल की वापसी होना तय है। फिलहाल तो वह एनसीए में रिहेब कर रहे हैं, किंतु खबरों की माने तो एशिया कप तक फिट हो जाएंगे और नंबर 5 पर खेलेंगे और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। जबकि नंबर 6 पर भारतीय टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, जो कि अपनी बैटिंग व बॉलिंग दोनों से जोहर दिखाएंगे, तथा नंबर 7 पर 3D प्लेयर व दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नजर आएंगे, जो अपनी बेहतरीन स्पिन बॉल से बड़े बड़े बैट्समैन को अपनी फिरकी में फंसाते दिखेंगे, तथा बैटिंग से हर बार की तरह टीम को मदद करेंगे। एवं आगे नंबर 8 पर कुलदीप यादव दिखेंगे। बता दें आपको कि कुलदीप यादव पिछले एक साल से भारतीय ODI टीम से जुड़े हुए हैं, तो उनका खेलना बिल्कुल संभव है। एवं नंबर 8 पर बुम बुमराह खेलेंगे। बता दें आपको कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वो एशिया कप 2023 से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का टीम से जुड़ना एक वरदान साबित होगा, क्योंकि उनके आने से भारतीय बॉलिंग लाइनअप की ताकत 2 गुना हो जाएगी। जबकि नंबर 10 पर मोहम्मद शमी खेलेंगे। मोहम्मद शमी की गेंद भी आग उगल रही है। आपने IPL और WTC फाइनल में उनके रंग देखे होंगे, तो उनको प्लेइंग 11 से बाहर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जगह अर्शदीप सिंह भी प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। जबकि आगे नंबर 11 पर मियां मैजिक बोले तो मोहम्मद सिराज खेलते दिखेंगे। बता दें आपको कि MD सिराज से तगड़ा बॉलर इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई नहीं है, तो उनका खेलना तो पक्का है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपको भारतीय टीम की स्ट्रॉन्ग व फाइनल प्लेइंग 11 नजर आ सकती है। वहीं अब हम पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 देखें, तो पाकिस्तानी ODI टीम की बैकबोन फखर जमा के साथ इमामुल हक नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान को हर बार बेहतरीन शुरुआत देने में कामयाब होते हैं, जबकि फखर जमान का बल्ला भारत के खिलाफ खूब बोलता है। तो वहीं नंबर 3 पर पाकिस्तानी टीम का सब कुछ बोले तो बाबर आजम खेलेंगे, जो कि ODI क्रिकेट में बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और ODI क्रिकेट में अभी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार हैं। बाबर आजम पर भी दोहरी जिम्मेदारी होगी, एक तरफ कप्तानी करते नजर आएंगे, तो वहीं पारी को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी उन पर ही रहेगी। जबकि नंबर 4 पर पाकिस्तानी चाचू इफ्तिकार अहमद खेलेंगे, जो कि
बल्ले के साथ साथ बॉलिंग से भी टीम को सपोर्ट करेंगे तथा नंबर 5 पर पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कम समय में अपनी जगह बनाने वाले खुशदिल शाह खेलते दिखेंगे। यह भी गेंद और बैट दोनों से टीम को सपोर्ट करने में सक्षम है तथा नंबर 6 पर विकेट कीपर की जिम्मेदारी व बैटिंग लाइनअप को संभालते हुए मोहम्मद रिजवान खेलते दिखेंगे। तो वहीं नंबर 7 पर पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर शादाब खान खेलेंगे तथा उनको सपोर्ट करते हुए नंबर 8 पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज दिखेंगे, जबकि नंबर 9 पर चोट से वापसी कर चुके पाकिस्तानी पेस बैटरी की जान शाहीन शाह अफरीदी दिखेंगे तथा नंबर 10 एवं 11 पर हरीश रौफ और नसीम शाह खेलेंगे, जो कि दोनों ही बेहतरीन फास्ट बॉलर है जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना लोहा मनवाया है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपको दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 नजर आ सकती है। वैसे आपके हिसाब से और कौन सा प्लेयर होना चाहिए प्लेइंग 11 का मुख्य हिस्सा, कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना।